भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए सोलन में राज्य स्तरीय अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस अभ्यास वर्ग में दूसरे दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने भी युवाओं को एकजुटता एवं संगठन को और अधिक मजबूत करने का पाठ पढ़ाया। वहीं भाजपा संगठन के कई नेता युवाओं का मार्गदर्शन अलग अलग सत्र में कर रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी साकेश शर्मा ने बताया कि युवाओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है ताकि युवा मोर्चा को सशक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के सम्मुख क्या क्या चुनौतियां हैं व इससे कैसे निपटना है, इसके बारे में युवाओं को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास वर्ग से युवाओं में जोश आता है व कार्य करने का जज्बा उत्पन्न होता है। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर यह चला है। यह प्रशिक्षण शिविर जो है हमारा 3 दिन तक रहने वाला है, जिसके अभी हमारे 2 सत्र हुए हैं। पहले सत्र में मुख्य वक्ता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी रहे और देश निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका हो इस पर बड़े डिटेल में युवाओं को उन्होंने बताया। दूसरे सत्र में हमारे मुख्य वक्ता जो है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी रहे और देश के सम्मुख क्या चुनौतियां हैं और युवाओं को उन चुनौतियों से कैसे निपटना है, यह मुख्य विषय बिंदु रहा। युवाओं का लगातार जो है इस प्रशिक्षण वर्ग में हमारे 10 सत्र रहने वाले हैं और उन 10 सत्रों में हमें बहुत पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से मार्गदर्शन मिलने वाला है। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।